फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आम का हींग वाला अचार बिना तेल का। ये मैंने लिए हैं आधा किलो आम, इनको मैंने छील के इनका गुद्दा उतार लिया, पतले पतले पीस काट के इन्हें 2 चम्मच नमक लगा डाल के इसके अंदर और रख दिया था। आज 2 दिन बाद इनको निकाल के सुखा दिया, आम को पानी से बाहर निकाल के सुखा दिया। और उसमें डालूंगी मैं अब ये सूखने के बाद लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1/2 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। कलर के डाल दी, ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ये डाल दिया नमक, और ये 1/2 चम्मच हींग डाल दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और एक शीशी में भर के रख देंगे। 3-4 दिन बाद ये खाने लायक हो जाता है और ये मठरी से भी बहुत अच्छा लगता है। जिस डब्बे में हम अचार भरने जा रहे हैं उसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल के और उसमें घुमा दें और फिर वापस उसी में डाल दें और फिर उसमें अचार भर दें तो उसमें अचार के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारा अचार तैयार हो गया है, अब 1-2 दिन धूप में रख देंगे, उसके बाद खाना शुरू कर देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।